धम्मपद गाथा कथा नंबर 116। ये पाप वग्गों की नौवा जो वग है, नौवा जो सेक्शन है, नाइन्थ सेक्शन, उसकी पहली गाथा है। पाप वग्गो आरंभ आज से हो रहा है। गाथा इस प्रकार है। अभी थरेत कल्याणे पापा चित्तं निवारये धनं हि करोतो पुण्यं पापिस्मिं रमति मनो। पहले इसकी कथा सुन लें। इसकी कथा में कई सारी चीजें अलग तरह की हैं, उनको थोड़ा ध्यान दें। एक तो जो इसमें शब्द दिया है बहिमड़, संस्कृत भाषा में बहिमड़ को ब्राह्मण बोला गया है, और जो पाली के अंदर समण है उसको संस्कृत भाषा में श्रमण बोला गया है, क्योंकि आधा रे और शय पाली में नहीं होते, इसलिए बही को ब्रह बना दिया, ब्रह्म बना दिया, और जो समण है उसको श्रमण बना दिया, शय और रे करके मिला दिया। गाथा ये जो मैं आपको कथा बता रहा हूँ, ये मैच नहीं करती, क्योंकि भगवान बुद्ध ने आलार कलाम का जो सूत्र दिया है उसमें साफ साफ कहा है कि कोई बात अगर कसौटी पर ना उतरे तो उसे ना माने। ये कथा भी कुछ कुछ ऐसी है, ये मानने लायक है नहीं। कथा क्या है पहले ये समझे, फिर बताऊंगा क्यों मानने लायक नहीं है। एक बही मढ़ है, बही का मढ़ है, ब्राह्मण है। दो तरह के जिक्र आते हैं पूरी पाली भाषा में। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहीं के लोग हैं, उनको कुछ नहीं बोला गया है, क्योंकि वो भारत के लोग हैं, कुछ उनको बोला भी नहीं जाता था। बहुत ज्यादा अगर तुलनात्मक बोला गया है तो समण बोला गया है, यानी समण, जो समता में रमण करते हैं, समता में रम करते हैं, समता में रमते हैं, समण। और जो बही लोग हैं, यानी जो बहित लोग हैं, जो बाहर से आए हैं, उनको बही मण बोला गया है, यानी बाहरी मण वाले, जो बाहर रमण करते हैं, बाहर से रमण करने वाले लोग हैं। बही मण को वो लोग जो बाहर से आए, क्योंकि उनकी भाषा में आधा रह था, शय था, कुछ शब्द उनकी भाषा में थे, तो उन्होंने अपने आप को बही का ब्रही कर दिया, भ्रम कर दिया, और भ्रम के शब्द सारे बनाए, जो बाद में उन्हीं लोगों ने लिखे, उन्हीं लोगों ने इसको पत्थरों पे लिखा, और उसमें जो बै के साथ आधा बै रे मिला के और आधा मे मिला के भ्रम उसको लिखा गया। बही बहुत कम आता है, भ्रम ज्यादा आता है, क्योंकि पाली ने, प्राकृतिक भाषा ने भ्रम को ऐसा कैसा ही उन लोगों ने लिया है, क्योंकि लिखा उन्होंने है, जो इधर के समण लोग थे वो तो लिखना और सब कुछ भूल चुके थे, इसलिए उनके द्वारा अपने आप को ब्राह्मण कहा गया। तो इस कथा में जो आता है वो ये है कि एक बहिमणक जो था, यानी ब्राह्मण जो था, वो गरीब था। तो सारे बहिमण और ब्राह्मण गरीब ही होते थे पहले। क्यों गरीब होते थे? क्योंकि बाहर से आए हैं, खाना बदोस हैं, भूखे नंगे हैं, उनके पास ना जमीन है, ना जायदाद है, ना खेत है, ना खलिहान है, लूट मार का उनके पास धंधा है। जो बाही के लोग हैं, जो बाहर से आए हैं, तो उनके पास में यहाँ कुछ अधिकार नहीं है भारत के अंदर, इसलिए गरीब है वो। तो वो चूंकि भगवान बुद्ध के यहाँ जितने भी लोग आते थे उनके लिए, सभी के लिए रास्ता खुला हुआ था, चाहे वो बहिमण है या समण है, यानी जो भारत के लोग हैं वो हैं, या जो बहिमण है बाहर के रमण करने वाले लोग हैं वो हैं। तो बहिमण कहता है कि भगवान बुद्ध का कहीं जो बात चल रही है, मैं वहां जाके सुनना चाहता हूँ कि क्या वो देशना देते हैं क्या नहीं है। मगर वो उसके पास में साटी का एक है, साटी का मतलब साड़ी, पहले आदमी भी साड़ी पहनता था साटी का, और औरत भी साटी का पहनती थी, एक चादर होती थी उसी को लपेट लेते थे, उसको साटी का बोलते हैं, साड़ी, बाद में चादर और चीवर भी बोलने लगे। चीवर स्पेशली भिक्कू के लिए आता है, चादर सबके लिए बाद में आता है। पटा चारा जैसे था, चारा डाला, यानी चादर डालने का, वस्त्र डालने का काम किया। तो वो ये तय करते हैं कि जो महिला है उसकी पत्नी है वो पहले जाएगी देखने के लिए, सुनने के लिए, और वो बाद में जाएगा। कहानी में तो कहते हैं कि सुबह को पत्नी जाएगी वही साड़ी पहन के, और शाम को वही साड़ी पहन के पति जाएगा रात में। उसके बाद में वहां जब शाम को वो जाता है, रात में जाता है पति साड़ी पहन के, क्योंकि पत्नी साड़ी पहन के साटी का पहन के हुआ ही है, अब उसने साड़ी पति को दे दी और वो घर में बंद है। तो वो जब जाता है तो उसे भगवान बुद्ध के जो देशना है उपदेश बड़े अच्छे लगे, और वो उसके मन में आता है कि कुछ देना चाहिए इनको। तो उसके पास देने को कुछ है नहीं,
तो वो सोचता है कि ये जो साटिका है साड़ी है इसे ही दे दूं। फिर उसके मन में द्वंद्व चलता है कि मेरी पत्नी भी इसको पहनती है, हम क्या पहनेंगे। इस द्वंद्व में वो कभी देने का, कभी नहीं देने का, कभी देने का, कभी नहीं देने का सोचता है। अंत में कहता है कि मैं इसे दे ही देता हूँ, और वो भगवान बुद्ध को साड़ी को गिफ्ट में देता है। और फिर जैसे ही साड़ी की तय बनाता है तो जोर से चिल्लाता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो लोग उससे पूछते हैं कि क्या जीत गया। कह रहा, मैं अपने मन में मेरे अंदर जो द्वंद्व चल रहा था कि मैं दूं या ना दूं, अब मैंने देने का सोच लिया, मैं जीत गया। कहानी आगे चलती है तो कहते हैं कि प्रसन्नजीत को ये बात बड़ी पसंद आई, और उन्होंने उसको बड़े सारे कपड़े दिए, 32 जोड़े दिए साड़ियों के। तो उसने से सिर्फ 2 जोड़े लिए और बाकी भगवान बुद्ध के आश्रम में दे दिए, उनके मठ में दे दिए, उनके विहार में दे दिए। इससे भी आगे कहते हैं कि उनको 4 हाथी और 4 घोड़े और 4 औरतें उसको बाद में गिफ्ट में भिजवाई, उस बहिमण को, इसके बदले जो उसने वहां दान दिया था। अब ये कहानी धर्म के आधार पर क्यों नहीं फिट बैठती, इसको सुनिए। एक तो भगवान बुद्ध जब देशना देते थे तो वो सुबह के समय और दिन में देते थे, शाम को नहीं देते थे, क्योंकि भिक्षुओं का जो सबसे अच्छा समय होता था वो शाम का होने की बजाय सुबह का, रात में तो बिल्कुल नहीं देते थे। कोई शाम को हो सकता है कि दें, मगर रात में बिल्कुल नहीं। तो इस कथा में रात में भी जिक्र आया है, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि रात को तो काम करने के उन्होंने 5 जो नुकसान है वो खुद ही बताए हैं। दूसरा, वो जब देशना देते हैं तो कहीं कोई किसी से गिफ्ट नहीं लेते, यानी देशना के बदले कभी कोई सामान नहीं लेते। सामान लेने देने का या दान लेने देने का एक अलग नियम है, हैंड टू हैंड तो बिल्कुल नहीं। किसी को अगर दान देना है तो वो चुपचाप जाके और भिक्खु संघ में जो इसका मैनेजर है, जो नायक है, उसको जाके दे देते हैं, और वो वहां जमा हो जाता है जो उनके लायक का दान होता है। तो इसलिए कभी भी कोई ऐसी कथा नहीं है कि भगवान बुद्ध ने किसी उपासक से तुरंत दान लिया हो, ऐसी कोई कथा नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत प्रतीत होती है। तीसरा, कोई आदमी अगर दान देगा तो वो नंगा हो जाएगा। अगर वो अपनी साटिका देगा, साड़ी देगा, तो वो वहां सबके बीच में नंगा हो जाएगा, और नंगे आदमी की सभा में बैठने की वहां पे कोई भी अनुमति है नहीं। सबको कपड़े पहनने हैं, क्योंकि कपड़े सबके लिए हैं, कोई निगट्ठों की या नंगों की या नंग लोगों की सभा नहीं है। तो इसलिए साड़ी को वो उतारेगा भी तो सारे लोग भिक्खु मना कर देंगे कि साड़ी को पहन के रखो, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो साड़ी को उतार के अगर देता भी है और ये चिल्लाता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, तो इसका मतलब वो साड़ी देते समय अपनी जीत का बखान कर रहा है। उसमें मैं है, अहम है, मैं और अहम वाला कोई भी दान माना नहीं जाता। कोई ये कहे कि मैंने ये दान दिया, मेरा नाम यहाँ लिखो, मैंने ये दान दिया, मेरा फोटो यहाँ खिंचवाओ, मैंने ये दान दिया, इस ट्रक में अनाज की बोरी के साथ मेरा नाम खिंचवाओ, मैंने ये केले दान दिए इसका मेरा फोटो खिंचवाओ, मैंने ये गरीब को भोजन दान दिया इसका मेरा फोटो खिंचवाओ, या मैंने यहाँ ये चेक दिया इसका मेरा फोटो खिंचवाओ, या यहाँ मैं दान दे रहा हूँ तो इसको अखबार में छपवाओ, या यहाँ मैंने ये काम किया तो इसको यूट्यूब पर चलवाओ या फेसबुक पर चलवाओ, वो दान मान्य नहीं है। दान की अगर चर्चा हो गई तो वो दान जीरो हो जाता है, मान्य नहीं है। वो तो प्रचार है, आप प्रचार खरीद रहे हैं, गरीबी खरीद रहे हैं, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीबों की बेइज्जती कर रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ये बात तय है। भगवान बुद्ध ने दान के लिए साफ कहा है कि दान इतना और ऐसा दीजिए कि आपके मन को प्रसन्नता हो, दुख ना हो। और यहां तो वो अपनी साड़ी को दान देते समय 100 बार सोच रहा है, तो उसको कितना दुख रहा होगा, कितना द्वंद हुआ है, तो ये बात कहीं तय नहीं होती। दूसरा क्या है कि दान के बदले में अगर किसी व्यक्ति को कोई सामान अगर देते हैं तो दान की परंपरा खत्म हो जाएगी। फिर तो लोग लोभ में, लालच में बहुत दान देंगे, क्योंकि उनको लोभ है, लालच है कि हमें दान देना है, हमें दान देना है, और हमें बदले में कुछ मिलेगा, तो दान की जगह व्यापार हो जाएगा। इसलिए ये कहानी कहीं तक भी फिट नहीं बैठती, पूरे सिस्टम में कहीं भी कहानी का कोई सर पैर नहीं आता नजर। इसकी कहानी मुझे मिली नहीं है, जब मिलेगी तो एग्जैक्ट मैं बताऊंगा। इस गाथा का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। अभित रेत कल्याणे, अभित रेत कल्याणे, अभित रेत जो है का मतलब है अभित्वरित, यानी कि जो जल्दी से, क्या है कल्याणे, जो काम अच्छा है उसको तुरंत करना चाहिए, लाभ वाले काम को तुरंत करना चाहिए। पापा चित्तंग निवारिंग, पाप का मतलब, पापा का मतलब है जैसे बुद्धा होता है वैसे ही पाप आ, यानी पापा, यानी जो पाप है चित्तंग निवारिए, यानी कि जो पाप है वो चित्त पे आवरण डाल देता है, उसको हटाइए, यानी कि जल्दी आप करेंगे तो वो आवरण नहीं रहेगा। धनंदंग ही का मतलब है, या धनंदंग ही का मतलब है, दंद माने होता है जो धीरे से किया जाए, जो आलस से किया जाए, जो बहुत स्लो किया जाए, जिसका स्लो मोशन हो जाए। और ही का मतलब वास्तव में करोते पुण्य, यानी कि अगर अच्छा काम जो करता है और वो धीरे धीरे करता है, इसका मतलब है पापस्मिंग रमती मनो, इसका मतलब उसका जो मन है वो पाप में रम रहा है, पाप में जा रहा है।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो काम आपको अच्छा है, लाभकारी है, बढ़िया है, उसको तुरंत कर देना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा कोई संशय आ रहा है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। कोई भी अगर गलत बात आ रही है तो हटा के तुरंत अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे कोई काम करेंगे तो इसका मतलब आपका मन पाप में रमना शुरू हो जाएगा, रमता है। ये गाथा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज भी सारी गाथाएं, सारी बात भगवान बुद्ध की बिल्कुल सत्य हैं कि जैसे आपके साथ में कोई दुर्घटना हुई, शोषण हुआ, कोई लूटमार हुई, चोरी हुई और आप थाने चले गए, थाने में थानेदार है, SHO है, इंस्पेक्टर है, जो उसका इंचार्ज है थाने का या कोतवाल है, उसको आपने सारी घटना बताई और सारी घटना बताने के बाद में आपने उसको कागज पर लिख के कहा कि मेरी FIR काट दो। अगर ये काम अच्छा है, क्योंकि काम तो अच्छा है, सामने दुख हुआ है, परेशानी हुई है, तो उसको तुरंत FIR काट देनी चाहिए। तो अच्छे काम में उसको अब लोभ लालच आएगा। लोभ लालच क्या आएगा? दूसरी पार्टी से मिल जाऊं, दूसरी पार्टी का कुछ मिल जाए, रोकने का कुछ मिल जाए, देर करूं, कुछ इनसे मिल जाए। तो ये लोभ के जो आचरण उसको आ रहे हैं, जो पर्दे आ रहे हैं, अगर ये उनको तुरंत नहीं हटाएगा तो ये बढ़ जाएगा और वो आनाकानी करेगा, धीरे 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 लिखेगा। इसका मतलब उसके मन में पाप रमना शुरू हो गया। पाप रमना शुरू कैसे हो गया? इसमें तो ये खोट है FIR में, इसमें तो ये है, पहले इसकी तहकीकात करेंगे, पहले इसको देखेंगे। यानी अब वो आपकी FIR को, आपके पेपर को ऐसे रख के उसके मन में पाप आ गया। अब वो दूसरी पार्टी से बात करेगा, दूसरी पार्टी से मिलेगा जुलेगा और आपकी कंप्लेंट के बदले में बार्गेनिंग करेगा, कुछ करेगा। और अगर उसका मन साफ है, उसका मन बहुत अच्छा है और अच्छा काम है, तो वो तुरंत लिखेगा। वो कहेगा लिखो अभी तुरंत, इससे पहले कि मन बदल जाए, इससे पहले कोई दबाव आ जाए, इससे पहले कि मन में चोर आ जाए, पाप आ जाए, इसको तुरंत लिखो। तुरंत लिखेगा तो फिर उसका मन अच्छा हो जाएगा। ये ठीक ऐसे है जैसे दफ्तर के अंदर जो काम चलता है, अगर कोई फाइल आ जाए और उस फाइल में कोई आदमी उसको रोक के बैठ जाए, तुरंत उसको ना करे, तो इसका मतलब यह है कि उसके मन में पाप आना शुरू हो गया। अगर वो तुरंत उसको आगे बढ़ा देता है साइन करके, चाहे उसका डिसीजन सही है या गलत है, जो भी है, उसने एज पर जो डिसीजन है उसके रूल के हिसाब से लिया है, तो फिर पाप नहीं आएगा। मगर उसको टांगता रहेगा, धीरे धीरे करेगा, आज करेगा, कल करेगा, इसका मतलब उसका पाप, मन पाप में रमना शुरू हो गया और वो कोई पाप की लीला रच रहा है। ये ठीक ऐसे है जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया है या कोर्ट का कोई आदेश आया है और आप उसको लागू नहीं करना चाहते हैं, अच्छा है वो कैसा भी है, क्योंकि आदेश खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, मगर आपने उसको डिले कर दिया, आपने उसको नहीं किया, तो आपका मन पाप में रमना शुरू हो गया। या कोर्ट में आपका कोई केस पड़ा हुआ है और वो अगर खिंच रहा है, लंबा खिंच रहा है, तो फिर वो उसमें आपको उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन है वो तुरंत हो जाता है, तो मन साफ हो जाता है, और जो उसको डिले करता है फिर वो जस्टिस की जगह इनजस्टिस हो जाता है। ऐसे ठीक घर के अंदर अगर कोई निर्णय है, अगर हमने तुरंत नहीं लिया, उसको खींच रहे हैं, तो मन में हमारे कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए वो हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये डिसीजन लेने का जो तरीका है, क्योंकि अगर मन साफ होगा तो आदमी तुरंत डिसीजन लेगा, और जब वो धीमी गति से करता है तो फिर वो डिसीजन पाप में बदल जाता है। यही भगवान बुद्ध ने बताया और पूरी दुनिया में यही होता है, यही हो रहा है, इसलिए पाप बढ़ रहा है। इसे आप चेक कर सकते हैं कि अगर काम तुरंत नहीं हो रहा है तो मन में पाप पल रहा है, जगह पे पाप पल रहा है, और पाप अगर पलेगा तो दुख बढ़ेगा, और दुख बढ़ेगा तो अशांति बढ़ेगी, और अशांति बढ़ेगी तो हिंसा बढ़ेगी, और हिंसा बढ़ेगी तो सबको खा जाएगी। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
Kameshu mitcha chara virmani sikkha padam smadhyami.